ऋषभ रामचंद्र की, लखनलाल की, सीता मैया की, छोले बाबा की। हे परमपिता परमेश्वर, हे राघवेंद्र सरकार, हे मेरे बाबा, आप सभी भक्तों का कल्याण करिए। हम सुंदरकांड भजन वाले हैं, वही गाते हैं और उसी पे हमारा यह गीत आधारित है। जैसे इंसान के जीवन में मोबाइल का बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत बड़ा उपयोग है। आज अगर मोबाइल छीन लिया जाए तो पूरी दुनिया अंधकार में पहुंच जाए, संपर्क ही टूट जाए। लेकिन पहले कैसे संपर्क का साधन था, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदरकांड के माध्यम से कहा है। गीत पसंद आए तो सिर्फ एक निवेदन, आज पहली बार वीडियो अपने कर रहा हूं, जय श्री राम जरूर कमेंट करिएगा। हनुमान जी दास होकर बैठे हुए थे, जामन जी गाते हैं, प्रभु आप सोए हो तो कौन करेगा। समुद्र के किनारे खड़े जामन जी भजन बीर से कहते हैं कि प्रभु आप ही अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं, आपको ही माता सीता का खोज, माता सीता की पता लगाना होगा आपको, और आपको ही जाना होगा। बजरंगबली जय श्री राम का नारा लगाते हैं और समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। तो जामवंत जी कैसे कहते हैं, जा रहे हो बजरंगबली बन के BSNL, BSNL ये पहली दूर संचार कंपनी है जो विश्व के या भारतवर्ष के कोने कोने में है। लेकिन यहाँ मैं BSNL का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, यहाँ BSNL का अर्थ है भक्त संचार निगम लिमिटेड, हमारे बजरंग बली वही है। जा रहे हो बजरंग बली बन के BSNL, तो चल दिए बजरंग बली करके एयरटेल। एयर मतलब हवा, टेल मतलब पूंछ। बजरंग बली ने अपनी पूंछ उठाई और राम जी का नारा लगाया, तो जा रहे हो बजरंग बली बन के BSNL, तो चल दिए बजरंग बली बन के अरे करके एयरटेल। अपनी पूंछ उठाई हवा में, आगे है, अरे देखा सुरसा का मुंह बाइल, देखा सुरसा का मुंह बाइल, मुंह बाइल मतलब सुरसा का मुंह खुला हुआ। अब आगे नहीं समझाएंगे तो भजन का मजा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ हमारे चाहने वाले कहते हैं भैया आप भजन के बीच में बहुत बोलते हो। देखा सुरसा का मुंह बाइल, देखा सुरसा का मुंह बाइल, अरे कैसी रोमिंग है, माउथ से रोमिंग है, ईयर से आउट रोमिंग है, माउथ से रोमिंग है, ईयर से आउट। धरते हैं और मुख से जो मुंह बायल है खुला हुआ उसे प्रवेश करते हैं और कानों से निकल जाते हैं, यही गीत का टेक है। माउथ से ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है। आ सागर में था ऐसा टावर, टावर तब था भैया हमारे पवन जी, सुंदरकांड पढ़ते हैं सुनते तो आपको पता है समुद्र में ऐसी राक्षसन थी जो परछाई को पकड़ लेती थी, तब भी उसका कैचिंग पावर कितना तेज था। आज ऐसे आज हमारे जो संचार कंपनी है, चाहे वोडाफोन, एयरटेल हो, जियो हो, कितना अच्छा कैचिंग पावर देते हैं जिससे आप जुड़े हैं। वहां भी था सागर में था ऐसा पावर, जिसका था कुछ ऐसा, अरे रे कैसी कैचिंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है, माउथ से इनकमिंग है, ईयर से आउट गोइंग है, अरे देखा सुरसा का मुंह।
बलि लंका के गेट पे दरवाजे पहुंचते हैं तो कैसे प्रभु जी आगे वर्णन करते हैं और आगे कौन सी कंपनी का नाम आता है। लंका में जाने का आइडिया लगाया बाबा, लंका में जाने का आइडिया लगाया, सूक्ष्म रूप बज रंगी ने बनाया, लंका में जाने का आइडिया लगाया, सूक्ष्म रूप बज रंगी ने बनाया। अरे मार लंकनी को सीता की, अरे मार लंकनी को सीता की करते सर्चिंग है, हमारे पूछ वाले बाबा लंका में प्रवेश करते हैं और आगे क्या करते हैं। हाँ, लगा वृक्ष तुलसी का कभी भी सर के घर में, लगा वृक्ष तुलसी का कभी भी सर के घर में, हाँ कौन भक्त वास करता है इन यसुर में। भगवान कहते हैं रावण की लंका में राक्षसों की नगरी में तुलसी का वृक्ष और राम नाम अंकित गृह शोभा, हे प्रभु आपके नाम से घर की शोभा है। मैं भी हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम, कृपा रखिए। नेटवर्क बहुत सारी कंपनियां कहते हैं कि नो चार्जेस वाइल रोमिंग, आज तो विश्व में आप कहीं भी जाओ, भारतवर्ष में कहीं जाओ तो इनकमिंग कॉल का रोमिंग नहीं लिखता कैसे। अरे लंका में भी प्रभु राम की, लंका में भी प्रभु राम की नेटवर्किंग है, माउत से माता सीता का पता लगाने के लिए गया था। अशोक वाटिका में माता सीता का खोज प्रभु करते हैं और आगे हनुमान जी सोचते हैं कि अब आगे क्या हो, तो देखिए प्रभु राम जी कैसे संदेश देते हैं मेरे बाबा को। आपको पता है माता सीता जी के साथ कौन थी, उन्होंने सपने दिया कि सपने बानर लंका जारी, संदेश दे दिया प्रभु जी। हनुमान जी वृक्ष में बैठे थे जब माता रानी के पास, माँ सीता के पास क्या था, लंका में राम जी का एसएमएस आया, त्रिजटाने में सज सबको सुनाया, त्रिजटा
आखिर बोलती माता रानी, हे सीता मैंने एक सपना देखा कि एक बानर आता है और सारी लंका को आग लगा देता है। प्रभु जी ऊपर बैठे बोलते हे भगवान, तो प्रभु जी का अगला संदेशा मैसेज आ गया, हम भी आप मैसेज करते हैं, हमारी आपकी बात मैसेज हुई कि भैया आज क्या माता रानी के चरणों में माता रानी के प्रांगण कुछ हो जाए, हमारी आपसे मुलाकात हुई। लंका मेरा लंका जारी और चार प्रधान सेना सब मारी, प्रभु कंठों में जलोहिक नायन सत्य में रहूंगा। अरे राम नाम की देखी मुद्रिका, प्रभु बजरंग बली आते माता सीता के पास और राम नाम की जो अंकित मुद्रिका है देकर है, उनके भी जो हर्ष को बढ़ाते हैं, जो विलास जो संताप है उसका नाश करते हैं। हे राघव आपको भी सौगंध है, हे परम पिता परमेश्वर आप भी संसार में मचे हुए कोरोना वायरस का नाश करिए और इस संताप को हरिए। बोले राघव सरकार की, अरे राम नाम की देखी मुद्रिका सीता मैया, अरे होती रिचार जिंग है वाले बाबा। जब बोले जब यहाँ आया हूँ तो कम से कम देख लो इसका मालिक कौन है। रावण के दरबार में गए और आपको पता है, सब जानकार है आप सभी कि वीर बजरंगी की पूछ में आग लगा देता है रावण। अब आगे कैसे घटना है, गीत का आखिरी पंक्त है। रावण की जब रावण को मालूम पड़ा कि अशोक वाटिका का विध्वंस हो गया है, मेघनाथ आए और पकड़ कर हनुमान जी को ले गए, हनुमान जी को स्वयं बंदी लोगे और पकड़ेगा भैया। राम की शरण में जो आएगा, यह गीत की पंक्ति आप सभी को समर्पित है भैया। राम के शरण में जो आएगा आजीवन वाली ड्यूटी पाएगा। अगर आपको जीना है तो राम नाम का अमृत पान पीना है। राम की शरण में जो आएगा आजीवन वाले ड्यूटी पाएगा। जाको दुख दारुण दही दीना आकर मत आगे हर लीना। रावण के समझ में आए, जहां अहंकार भरा वहां का हो इसका था। रावण सोचे बानर की सबसे प्यारी पूछ होती उसमें आग लगा देते हैं, आडंबर रचा। लेकिन हुआ क्या, रावण का वो भी कॉल फेल हो गया, रॉन्ग नंबर लग गया, क्योंकि लंका उसकी जल गई, ये पूछ में कोई आग नहीं लगी। लंका जलाने का सबने रचाया डंबर, लंका जली उसका लगा रॉन्ग नंबर। हनुमान जी बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं गीत के आखिरी पंक्ति में, Yeah.
बड़ा प्रयास लगता है इन शब्दों को शब्दबद्ध करने में, स्वर लिपि भरने में। अगर हमारा प्रयास, हमारे छोटे भाई का प्रयास अच्छा लगे तो राम नाम करके हमारे ऊपर नहीं, अपने ऊपर जरूर परोपकार करिए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता रानी के दरबार की जय, हर हर महादेव।